हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। आज हम लोग नैप का रिलेशनशिप मॉडल पढ़ेंगे जो उन्होंने दिया था रिलेशन पे। तो उनके उनका जो मॉडल है वो रिलेशन डेवलपमेंट के ऊपर है। उन्होंने ये बताया था कि कैसे रिश्ते बढ़ते हैं और कैसे कैसे वो जाके एक स्टेज के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी आपका, एक मिनट मैं बताती हूँ कि ये किस ईयर में आया था। ये आपका 2017 जनवरी में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि मार्क नैप ने जो अपना मॉडल दिया है उसके संप्रेषण के माध्यम से यहाँ पे ये सीक्वेंस में करने के लिए आया है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने 10 स्टेज दिए हैं, तो 5 क्या होते हैं, 5 उनके कमिंग टुगेदर के होते हैं और 5 उनके क्या होते हैं, कमिंग अपार्ट के होते हैं। तो ये जो 5 है ये कमिंग टुगेदर के हैं। अब तो थोड़ा सा हम नैप के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जुलाई 1938 में हुआ था और ये टेक्सास विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। इन्होंने अशाब्दिक संचार अनुसंधान पर इन्होंने अपने बातों को रखा था, इस पर इनकी थ्योरी थी। तो अब हम इनके जो 10 रिलेशनशिप है मेंटेनेंस के बारे में इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कमिंग टुगेदर में आपका सबसे पहले आता है इनिशिएटिंग आता है। इनिशिएटिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो आपका स्टेज होता है ये सबसे छोटा स्टेज माना जाता है। इट्स ए स्मॉल स्टेज ऑफ दिस थ्योरी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि लोगों के, मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं या फिर हम किसी को देखते हैं तो हम उसके किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस पर्सन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते रहते हैं। तो उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे, उसका ड्रेसिंग सेंस देख के, उसके बिहेवियर को देख के क्या लगता है कि हाँ वो इंसान अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर एक लड़का लड़की अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले वो उनके कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रेस होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस से स्किल होते हैं, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो दूसरा आपका क्या आता है, एक एक्सपेरिमेंट आता है। तो इस स्टेज में आने के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी उनके अंदर हो जाती है, वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इस स्टेज को प्रोबिंग भी कहते हैं। प्रोबिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये एक स्टार्टिंग होता है, उसमें जो स्टार्टिंग होता है और आप किसी के बारे में नॉर्मल जानकारी, मतलब आपने पहले स्टेज में तो उसका नाम जान लिया, उसके बिहेवियर को देख लिया, आप क्या जानना चाहते हैं, आप एक तरह से उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका अलग अलग तरीके से आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, आप बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि एक लड़का लड़की एक दूसरे के ड्रेसिंग सेंस से, इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं। अब आप धीरे धीरे क्या जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है। तो एक दूसरे से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपका क्या हो जाता है कि एक दूसरे से क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका क्या आता है, इंटेंसिफाइंग आता है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपका रिलेशन होता है वो एक दूसरे के लिए क्या होता है कि प्रगाढ़ हो जाता है। मतलब अब आप क्या करना चाहते हैं कि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने को सोचने लगते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम, मतलब आप मिलने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि हम उस इंसान से मिलें, उससे हर एक चीज़। आप फिर यहाँ पर आने के बाद आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो पर्सनल चीज़ें रहती हैं, आप अपने रिलेशन को क्या होते हैं कि एक न्यूट्रिशन वे में लेके जाते रहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को भी इस इंसान के साथ शेयर करना चाहते। जैसे अब क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, उन्होंने देखा, फिर एक दूसरे से नाम जाना, फिर एक दूसरे के हॉबीज़ के बारे में जाना। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी सारी चीज़ें, जैसे वो अपने घर की सारी चीज़ें उससे शेयर करने लगेंगे, लड़का अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने जॉब से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिफाइंग में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। फिर इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब यह कि अब क्या होता है कि आप धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा क्या है उस रिलेशन में कि क्लोज आ गए हैं। अब अपना आप पर्सनली क्या है उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और अगर मान लीजिए आपके मन में उसके लिए प्यार हो गया है, आप उसको पसंद करने लगे, तो अब यहाँ पे आके आप क्या करने लगेंगे कि उस चीज़ को आप शो करेंगे, उस चीज़ को आप उसे बताएंगे। मतलब इस रिश्ते में क्या होता है कि एक जो आपने फ्रेंडशिप लेवल स्टार्ट किया था कि हाँ हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये वो, अब यहाँ पे आके आप क्या हो गए हैं, आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, और आप एक ये इस जो आपने एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाया था इसे आप आगे लेके जाना चाहते हैं और आप इसे किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट, दूसरे रिलेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये
जी, फिर आपकी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या है कि अब आपने ये तरह से पूरी तरह से सबको बता दिया, मतलब अब जैसे क्या हुआ कि लड़का लड़की मिले, बात किया, ये सारी चीज़ें, अब उन लोगों को लगा कि हाँ हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्फर्टेबल हैं। अब ये सारी चीज़ें वो क्या है कि वो सबको बताना शुरू करें, अपने फ्रेंड को बताना शुरू करेंगे कि हाँ हम इस रिलेशन में हैं और हम इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब अब हमारा हर एक चीज़ क्या है कि उस इंसान से जुड़ जाता है, हमारा सुख दुख, रोना धोना, हंसना गाना, सारी चीज़ें क्या होती है उस इंसान के साथ जुड़ जाता है। और फिर हम कानूनी रूप से क्या करते हैं, अगर मान लीजिए वो शादी करना चाहते हैं तो वो कानूनी रूप से शादी कर लेते हैं या फिर वो फैमिली को कन्विंस करके शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, बॉन्डिंग आता है। यही 5 स्टेज आपका क्या होता है, एक इंट्रीगेशन होता है, एक कमिंग टुगेदर होता है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, कमिंग अपार्ट का स्टेजेस शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि अब रिश्ता आगे बढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए लड़के लड़की ने शादी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए नैप ने कहा था कि कोई भी रिलेशन एक तरह से नहीं चल सकता, उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है। फिर उन्होंने कहा कि जब जो रिश्ता आगे बढ़ गया तो उसमें धीरे धीरे गलत फहमियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। अब इसी चीज़ों को उन्होंने अपने कमिंग अपार्ट में बताया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, डिफ्रेंशिएटिंग आता है, मतलब विभेदीकरण। अब जब लोग किसी रिश्ते में प्रोग्रेस कर लिए, सब कुछ हो गया, उन्होंने सारी परेशानियों को सहते हुए एक दूसरे के वो हो गए, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उनके रिलेशन में क्या हुआ कि एक फीकापन आने लगता है। मतलब वो अब एक दूसरे की भावना को उतनी ज़्यादा कद्र नहीं देते। हाँ चलो ठीक है, जो इंसान पहले उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहता था, अब वो चलो ठीक है, मतलब इग्नोरेंस की भावना आ जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। जैसे अब क्या होता है कि लड़का शादी के बाद लड़का ये चाहता है कि लड़की नौकरी छोड़ दे, घर पे ही रहे। अब इन्हीं सारी चीज़ों में क्या होता है कि एक तनाव आने लगता है जो रिलेशन को ख़राब करना शुरू कर देता है। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका नेक्स्ट है सर्कमस्क्राइबिंग आता है, मतलब करने के बाद भी अब सीमित हो जाती है। मतलब वहाँ पे इन दोनों के बीच बहस हुई, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो कम्युनिकेशन है, जो उनका कन्वर्सेशन है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब उनकी जब बात होती है तो वो लड़ाई के रूप में होती है। मतलब अब वो हर एक चीज़ पे क्या होता है कि अपना तर्क रखते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि उनकी अपनी जो कह लीजिए उनका एक दूसरे से ईगो हर्ट होने लगता है, ईगो की लड़ाई वहाँ पे आ जाती है। जैसे अब क्या है कि ठीक है तुम ही घर पे, मैं घर पे का सारा काम करूँ, तुम बाहर, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक भेद वो आ जाता है कि मैं क्यों नौकरी छोड़ूँ, तुम भी तो नौकरी छोड़ सकते हो, तुम भी तो घर का काम में हाथ बटा सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंपैरिजन की चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आपका आता है इंस्टिगेशन आता है। इंस्टिगेशन का मतलब होता है ठहराव। अब इंस्टिगेशन में क्या होता है कि यह गतिरोध बहुत चरण तक पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, संचार अधिक सीमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कलह हो जाती है, एवॉइडेंस, अब वो एक दूसरे को एवॉइड करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बात बहुत कम। और उसके बाद क्या आता है, टर्मिनेशन आता है। यहाँ पे आके वो एक तरह से वो लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि उन्हें साथ में रहना है या नहीं रहना। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका कमिंग टुगेदर है, एक मेंटेनेंस स्टेज है और कमिंग अपार्ट है। तो ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका आया हुआ था। तो इसमें पूछा था कि मार्क नैप के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उसको एक सीक्वेंस में करना था। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारा इनिशिएटिंग आता है, मतलब आरंभ करना आता है। उसके बाद फिर हमारा आता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना आता है। उसके बाद हमारा इंटेंसिफाइंग आता है, जो आपका भावना से रिलेटेड होता है। फिर आपका इंट्रीगेशन, फिर आपका बॉन्डिंग। तो इसको देखते हुए आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि आपका चौथा हो गया, आरंभण हो गया, फिर आपका प्रयोग करना हो गया, फिर पांचवा आपका क्या होता है, भाव प्रवणता हो गया, तीसरा आपका एकीकरण हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया। तो ये आपका क्या था, मार्क नैप का सिद्धांत था जो उन्होंने रिलेशन डेवलपमेंट में दिया था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।